पेड़ लगाओ रे, पौधे लगाओ रे, पेड़ लगाओ रे, पौधे लगाओ रे, पानी देकर बाड़ लगा कर इनको बढ़ाओ रे, पानी देकर बाड़ लगा कर इनको बढ़ाओ रे। सांस सभी की चलती इनसे, फूल और फल भी मिलते इनसे। सांस सभी की चलती इनसे, फूल और फल भी मिलते इनसे। देते हैं ये छांव सभी को, इनको बचाओ रे। देते हैं ये छांव सभी को, इनको बचाओ रे। पेड़ लगाओ रे, पौधे लगाओ रे, पेड़ लगाओ रे, पौधे लगाओ रे, पानी देकर बाड़ लगा कर इनको बढ़ाओ रे। आज हम श्री श्री मास्टर देशराज जी से प्रेरित होकर अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएंगे। जय हिंद। ये पेड़ों को जो बाड़ कर रखी है, बाड़ नहीं करें तो इसको पशु जो हैं आकर घसते हैं और ये पेड़ का छाल उतर जाता है। पेड़ का छाल उतरने के बाद जो है वृक्ष सूख जाता है, इसलिए बाड़ बहुत जरूरी है। बड़ा पेड़ हो छोटा हो, बाड़ मैं करता हूँ सब पेड़ों को। ये खेर जो है सामने आपको दिख रही है, ये मैंने बनवाई थी आज से 20 साल पहले। इसमें डंगर पानी पीते हैं पशु, और ये बड़ जो है ये भी मैंने लगाया था, इसके साथ है। इसकी साइड में पीपल है, ये भी मैंने लगाया था। एक और गमले में नीम है, वो भी मैंने लगाया था। अच्छा, एक खेल बनवाई, इसके पीछे क्या मकसद था बनवाने का? इससे पीछे पशु पानी पीते हैं, वो बढ़िया पानी, साफ पानी आता है। इसमें जो खराब पानी था, इसलिए खेल बनवाई थी कि पशु साफ पानी पी सकें। ये केंदु का पेड़ है, इसकी छाया बहुत गहरी होती है। इसका फल जो है कूट कर चोट पर लगाया जाता है, गुम चोट पर। इसके पत्ते कूट कर गुम चोट पर लगाए जाते हैं, जो उस चोट को ठीक कर देते हैं। ये बहुत ही अच्छा वृक्ष है छाया के लिए और पक्षियों के पशुओं के बैठने के लिए। इसकी छाया बहुत मुफीद छाया है। शरीर में जो दर्द वगैरह होता है उसमें भी कामयाब है? शरीर में दर्द नहीं, गुम चोट पर काम देता है। चोट लगी हुई हो? हाँ, चोट लगी हो उसके ऊपर जो है इसके पत्ते उबाल कर बांधे जाते हैं, उसे पानी से सेका जाता है, इसके बंटों को कूट कर बांधा जाता है। देखो जी, ये तो गुरुजी हैं साइड से, गांव के गुरुजी हैं। टीचर साइड से लगा लो, पेड़ पौधे साइड से लगा लो, और भी कोई ज्ञान की बात है तो इनके पास में बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं। और ये काफ़ी आज से नहीं, बहुत दिनों से पौधे लगा रहे हैं। मैं जब भी छुट्टी आता था तो गुरु जी बोलते थे कि आज फौजी थोड़ा चलना है, थोड़ी मदद करना है, दो चार बाल्टी पानी की पकड़ा देना, थोड़ी ईंट लगा देना, झाड़ी कटवा देना, पेड़ के थोड़ी बाड़ करेंगे। तो जैसी भी होती थी तो हम इनके साथ में आगे थोड़ी मदद करते थे। और इन्होंने गाँव के चारों तरफ में बहुत ही पौधे लगाए, अनगिनत पौधे लगाए हैं। जहाँ भी इनको जगह दिखाई मिल गई, देख करके आएंगे दिन में, आज इधर पौधे लगाए, लगाने की जगह मिली है, अगले एक दो दिन में पौधा लाएंगे और लगा देंगे उधर आकर के। इन्होंने ये नहीं देखा ये मेरा एरिया है या दूसरे गांव का एरिया है। इनको सिर्फ पौधा लगाने से, वो भलाई कमाने से ही इनको यही काम था। कोई घटना हो, कोई ऐसी बात हो जो बताती हो कि भी देखो ये कितना जुनूनी आदमी है, कितनी लगन है इसकी, तो थोड़ा बताइए दर्शकों को। जुनून घटना तो ये है जी, इन्होंने दिन रात नहीं देखते ये। अभी थोड़े दिन पहले हमारे गांव में सांग हो रहा था, तो ये सांग के बीच में जैसे वो जनता उठ उठ के जाने लगी, इन्होंने सोचा कि सुबह हो गया है। ये रात में 12-1 बजे करीब उठे और अपनी बाल्टी और फोड़ा बेलचा उठाया और ये पौधों में पानी डालने के लिए आगे। जब इनको पता लगा कि दिन तो निकल ही नहीं रहा, निकल नहीं रहा, तो
तभी जाकर के अपनी मैडम के साथ में बोला आज तो ऐसे ऐसे हो गया, जाकर के सब देखने लगे, मास्टर जी जा रहे हैं सांग के पीछे, मास्टर जी जा रहे हैं बाल्टी लेकर के लाडे वाले में, जो जो तो थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था उधर जाकर के अपने पौधे लगा रखे छोटे छोटे और उधर पानी डालने लगे रात में 12-1 बजे। तो सुन तो अभी बूढ़ा आदमी है, बुजुर्ग आदमी कितनी देर डालेगा, घंटा आधा घंटा डालेगा, जब थक गए तो वापस आके दिन निकला नहीं। तो इनके अंदर इतना जुनून है, पौधों से इतना प्यार है, ये शायद ये अपने बच्चों से इतना प्यार नहीं करते ना पौधों से प्यार करते हैं। इनके बच्चे वेल सेटल्ड हैं, ये यहाँ इतनी गरीबी में रह रहे हैं, तंग हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं बुढ़ापे में, खुद खाना बनाना पड़ता है, बर्तन मांगने पड़ते हैं, तो इनके बच्चे क्यों नहीं लेके जा रहे हैं इनको, या लेके जाते हैं तो क्या बात है, क्यों नहीं जा रही है? नहीं ऐसा नहीं है जी, इनके बच्चे लेके जाते हैं इनको, इनकी मैडम है जो मास्टर जी ने बोलते हैं, मास्टर जी जो बोलते हैं उनको, वो बोलती चलो बच्चों के पास, मैं ये बोलता नहीं मैं बच्चों के पास नहीं चलूँगा, मैं मेरे पेड़ पौधे मैंने इधर लगा रखे हैं, ये मेरे बच्चों से कोई कम नहीं है, पूरे बच्चे प्यार करते हैं इनको, इनके बच्चे बहुत वेल सेटल हैं, पूरे बच्चे प्यार करते हैं, हर बच्चा बोलता है कि चल मेरे साथ चल मेरे साथ चल, पर इनको इन पेड़ पौधों से इतना लगाव है कि इनसे दूर जा ही नहीं रहे, अगर चले भी जाएंगे तो अगले दिन सुबह उठ कर वापस आ जाएंगे इधर ही कि भाई मेरा पौधा सूख रहा है पानी पिलाना है मैंने जाके उसको, वो मास्टरनी फिर पीछे पीछे आएंगी फिर बच्चा उनको छोड़ने आएगा, पौधों से मतलब इतना लगन है इनको, इतना लगाव है कि इसको छोड़ने में इनको बड़ी दिक्कत सी हो रही है, और हम तो भगवान से ये उम्मीद करते हैं कि ये हमेशा ही जिंदे रहें ताकि इसी तरह हमारे गांव में पौधे लगते रहें और पर्यावरण की सुरक्षा होती रहे। इन्होंने जो पेड़ पौधे लगाए उससे क्या मंडाणा का आसपास के दूसरे गांव से पर्यावरण कुछ बेहतर हुआ है? हाँ जी बहुत बेहतर हुआ है, मैं तो जब आर्मी में था मैं सबको बताता था कि हमारे गांव में एक रिटायर मास्टर जी हैं, उन्होंने हमारे गांव में इतने ऐसे पौधे लगा रखे हैं, हज़ारों से ज़्यादा पौधे लगा रखे हैं, यही प्रेरणा देता था मैं, और अगल बगल गांव में कोई जाते हैं तो इतने पौधे नहीं मिलते किसी गाँव में, या तो ये जाएंगे जगह देख करके आएंगे, जैसे बुआनी खेड़ा में जगह देख रखी इन्होंने, उधर चले जाते हैं उधर लगा के आ जाते हैं, फरीदाबाद में लड़का रहता था उधर लगा जाते हैं, हाँसी में साहब का लड़का रहता है उधर पौधे लगा के आ जाते हैं, मतलब इनको जगह मिलनी चाहिए, ये नहीं कि ये मंडाणा में लगाएंगे, अगर इनको खाली जगह दिखाई देगी तो पक्का पौधा लगाएंगे उधर जा करके। तो इन पर इनका खर्चा वर्चा भी बहुत होता होगा फौजी साहब? खर्चा वर्चा साहब ये खुद करते हैं साहब, ये मैंने खुद देखा है, ये ईंट लगा रखी सामने, ये ईंट अपने पैसे से लेकर के आए ये, और इन्होंने खुद बाड़ किया, चार दीवारी बनाए इन्होंने, ये किसी से मेहनत मजदूरी नहीं लेते, ये खुद देते हैं उसको, लेबर लेकर के आएंगे, अगर ज्यादा काम होगा तो लेबर लेके आएगा कराएगा, उसको पक्का पैसा देगा ये। ये जो बड़ है ये मैंने आज से 20 साल पहले लगाया था, इसकी डाढ़ी फूट रही हैं जो, इससे ये और ज़्यादा मजबूत होता है और ज़्यादा फैलता है, और इसकी जो है उम्र भी ज़्यादा हो जाती है डाढ़ियों से, इसके ऊपर फल लगते हैं जो पक्षी खाते हैं, इसकी छाया में पशु बैठते हैं, और इसका जो है वातावरण का भी बहुत फायदा है, क्योंकि बहुत फैलता है ये, सब वृक्षों से भारी बड़ होता है, और पौधे इतने भारी नहीं होते क्योंकि इसकी जड़ डाढ़ी फूटती है ना, ये इसको बहुत बड़ा पेड़ बना देती है। यहाँ सुहांदड़ा के पेड़, अर्जुन के पेड़, बेलू पत्र है, यहाँ बेल पत्र भी लगा रखे हैं, आंवला का पेड़ भी है यहाँ, और यहाँ एक सागवन का पेड़ भी आपको मैं दिखाऊंगा जो कि जंगलों में प्राय मध्य प्रदेश में मिलता है, और सागवन का पेड़ भी आपको सामने माँ सरस्वती की तस्वीर के सामने दिखाई देगा, ये अर्जुन का पेड़ आपको सामने एक इधर है और एक इधर है और एक ये है, तीन पेड़ अर्जुन के यहाँ आपको दिखाई देंगे, जिसकी छाल आपको देख रहे हैं जैसे छाल उतरी हुई है, लोग इस छाल को मैं हाथ लगा के आपको बताना चाहूँगा, ये छाल देखिए आप, ये छाल उतार रखी है, इस छाल को उबाल के और इसका प्रयोग अगर किया जाए तो ये हृदय के रोगों को बड़ा दूर करने में सहायक होती है, और सामने आप देखेंगे इधर ये अर्जुन का पेड़ है, बहुत ही बढ़िया उपयोगी जीवन के लिए है, ये सारे मास्टर जी इनकी देखरेख में इन बच्चों ने लगाए हैं। क्या बताना चाहेंगे अर्जुन के पेड़ के बारे में? इसकी छाल जो है ब्लड प्रेशर के काम आती है, दिल की बीमारी के लिए काम आती है, और दिल की कोई भी बीमारी हो उसके लिए बहुत उपयोगी वृक्ष है, इसको लगाए और बढ़ाएंगे जहाँ तक कोशिश होगी, ऐसे पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात है, और बच्चों से भी कहेंगे वो भी लगाएंगे। ये माँ सरस्वती का मंदिर आप सामने देख रहे हैं, यहाँ बच्चे सुबह उपासना करते हैं, प्रेयर यहीं होती है, और इसी की
एक अजीब सी चीज जो आपको मध्य प्रदेश के वनों में मिलेगी। मास्टर जी के सानिध्य में बच्चों ने ये सागौन का पेड़ लगाया है। ये मास्टर जी, इसके सागौन की लकड़ी के बारे में आपने खूब पढ़ा भी होगा और हमने तो मात्र सुना ही था, यहाँ के देखा है। इसके पत्तों से जो पत्तले बनाई जाती थी पहले, और इसकी लकड़ी बहुत कीमती होती है। ये मास्टर जी की देखरेख में बच्चों ने लगाया और ये एक यूनिक चीज आपको हरियाणा के विद्यालय में आपको दिखाई देगी। हाँ जी, ये सागवान का पेड़ जो है, इसके पत्ते जो हैं, इसकी पत्तल बनती हैं और इसकी लकड़ी जो है बहुत कीमती है, अब बहुत उपयोगी है, इसको जरूर लगाना चाहिए। ये बड़ का पेड़ स्कूल लगने से पहले लगाया गया, दीवार कूद कर आया था मैं, गेट नहीं था, और आके लगाया जब यहाँ बच्चे पढ़ने नहीं लगे थे। और ये वृक्ष जो है बहुत बढ़िया वृक्ष है, इसकी डाढ़ी फूट रही हैं, इसकी मिट्टी लगवाई जाती है और ये भौरा फैलता है, काफ़ी दूर तक फैलता है। इसकी छाया बहुत बढ़िया छाया है, इसके फल लगते हैं, पक्षी खाते हैं और ये बहुत मुफीद वृक्ष है। ये जो है पहले टेढ़ा था और इसको ये छड़े लगाकर और सीधा कर दिया है और अब ये सीधा बढ़ेगा। टेढ़ा जो है पौधा अच्छा नहीं होता, सीधा पौधा अच्छा होता है। अब ये इसको कितने दिन के बाद फिर संभालना पड़ेगा? इसको जो है अब एक महीने के बाद फिर संभालूंगा मैं। ये पेड़ जो है पीपल का पेड़ है, ये छाया से ऑक्सीजन देता है दिन रात, और पेड़ दिन दिन में ऑक्सीजन देते हैं, ये रात को भी ऑक्सीजन देता है। यहाँ गऊँ बैठकर छाया में आशीष देती हैं, और ऐसे पेड़ और भी लगाने चाहिए। जो मास्टर जी कार्य कर रहे हैं उसकी तो जितनी प्रशंसा की जाए बहुत ही कम है। ये ऐसा कार्य कर रहे हैं, ऐसा कार्य आज के टाइम में कोई करके राजी ही नहीं है। इन्होंने तो ऐसा काम कर दिया, जो पेड़ पौधे आज लगाए हैं ये कब कितने हजारों साल तक जिएंगे, इनका नाम अमर रहेगा। ये तो अपना नाम अमर कर रहे हैं, और हर आदमी की लाइन होती है, ये पेड़ पौधों में ही अमर रहेंगे। जब तक पेड़ पौधे जीवित रहेंगे और आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी कि पेड़ पौधे किसने लगाए थे, बताने वाले रहेंगे अपने देश राज्य इनने लगाए हैं, और हर बंदे को इससे अच्छी वातावरण मिलेगा, अच्छे सांस लेंगे, अच्छा शरीर रहेगा, अच्छा स्वस्थ रहेगा और पर्यावरण अच्छा रहेगा। पेड़ पौधे होंगे तो अपना वातावरण ठीक रहेगा, तो बारिश भी अच्छी होगी और सब कुछ ठीक होगा। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे अंकल जी स्वस्थ रहें और अच्छी उम्र हो और ऐसे ऐसे अच्छे कार्य करते रहें जिससे देश को समाज को अच्छा फायदा हो। देखिए अमन जी, मास्टर देशराज जी ने 33 साल तक विद्यालय में JBT टीचर के तौर पर कार्य किया। उस समय भी जब वो JBT टीचर के पद पर थे तब भी गांव मनाणा, चाहे बुआनीखेड़ा शहर, अपना तहसील थाना गौशाला, उनमें उन्होंने अनेक किस्म के पौधे, चाहे वो पीपल का हो, बड़ का हो, नीम का हो, अदर्स कई पौधों का रोपण किया। मैं इस कार्य में उनको नज़दीकी से 20-25 साल से जानता हूँ। इनका कोई रति स्वार्थ नहीं है, इनका भाव ये है कि मैं अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाऊं, और ये काम ये निःशुल्क भाव से करते हैं, किसी से कोई चंदा वगैरह नहीं करते। और पौधों को जब लगाते हैं उसके बाद उसका गमला बनाना, गमले के साथ साथ उसमें पानी डालना, उसकी खोदी करना, उसका भी पूर्ण रूप से देख रेख करते हैं। अपने गांव मनाणा में तो इन्होंने हजारों पौधे लगाए, और यहाँ बवानीखेड़ा की जो गौशाला है उसमें भी पीपल के, बड़ के, नीम के पौधे लगाए हैं, जो आज बड़े बनकर के गौशाला की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। मैं इनसे बड़ा अच्छी तरह से प्रभावित हूँ। ऐसे इंसान युग पुरुष होते हैं जो केवल निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं। मैं इनके लंबे जीवन की, भगवान से दीर्घायु की प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनको, जो आज 82 साल की उम्र में भी आज भी पौधे लगाने का जिनका जज्बा है,
देखने लायक है। इनके बारे में चर्चाएं चलती हैं, इनका नाम भी हम बताते हैं और कुछ लोगों ने जिन्होंने इनको नहीं देखा वो देखना भी चाहते हैं बुजुर्ग बाबा को। ये बाबा मंडाने वाले हैं, ये बुआनीखेड़ा भी नहीं रहना चाहते, अपने गांव में ही रहना चाहते हैं। इनके बच्चे बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे सेट हैं, 6 बेटे हैं इनके, सब वेल सेटल्ड हैं, ये फिर भी शहर में नहीं जाना चाहते, ये गांव में ही। पेड़ पौधों से इनका इतना लगाव है, अपने बच्चों से भी ज़्यादा लगाव है, इनके जो खुद के बच्चे हैं उनसे भी ज़्यादा ये पेड़ पौधों में लगाव रखते हैं। इनको पेड़ पौधों से इतना लगाव क्यों हुआ, इसके पीछे क्या बात हो सकती है? इनका शुरू से ही हम सुनते हैं, हम इनको जानते तो 15 साल से हैं, हमने सुना है जब ये पढ़ाते थे स्कूल टाइम में तब से ही इनका काफ़ी लगाव था और ये समाज के लिए देश के लिए ये कुछ अच्छा करना चाहते थे। ये सोचते हैं और कुछ नहीं हो रहा हमारे से तो क्यों ना हम पेड़ पौधे लगा के पर्यावरण को शुद्ध करें। वैसे तो देशराज जी सेवा काल में भी विभिन्न प्रकार के सामाजिक और धार्मिक कार्यों में अपना तन मन धन का सहयोग देते रहे हैं, जैसे स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, लेकिन जैसा मैंने देखा है और इलाके में भी हम देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, अपनी आँखों से भी देखा है अनेकों बार, विशेषकर पौधारोपण में इनका इस इलाके में अभूतपूर्व योगदान है। देशराज जी ने खुद अपना इनका गाँव मंडाना, उसमें सैकड़ों पौधे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, भवानीखेड़ा के राजकीय उच्च विद्यालय, भवानीखेड़ा के बस संस्थान पर, भवानीखेड़ा की गौशाला में, भवानीखेड़ा के हॉस्पिटल में, भवानीखेड़ा की मार्केट में इन्होंने हज़ारों पौधे लगाए हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस अनोखे ग्रह पर, और जैसे हमारी गौ माता है, हम सभी उनको नमन करते हैं, केवल एकमात्र ऐसा प्राणी है इस पृथ्वी पर जिसका मल मूत्र भी हमारे कष्टों का निवारण करता है, उस गौ माता का भी जीवन भी पादप और वनस्पति पर निर्भर करता है, तो इन्होंने उस वनस्पति की सुरक्षा और उसको पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए मैं देशराज जी को नमन करता हूँ कि देशराज जी ने हज़ारों पौधे लगा करके इस इलाके के पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा तो की है, साथ साथ एक बतौर शिक्षक एक मानवता का भी एक संदेश दिया है कि हम भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ने मानव के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा है, तो हमारा एक परम कर्तव्य बनता है कि संसाधनों का सदुपयोग करते हुए और पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, ताकि आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए भी एक स्वच्छ जीवन जीने के लिए एक वातावरण, पर्यावरण सुलभ हो सके। साथ साथ में देशराज जी ने आज के विशेष समारोह में श्री सनातन गोसेवाधाम समिति भवानीखेड़ा के प्रांगण में त्रिवेणी भी लगाई हैं, दूसरे नाना प्रकार के अनेकों पौधे लगा करके हम सब ठीक है सहयोग कर रहे हैं। और परमपिता परमेश्वर ने देशराज जी को वैसे भी आशीर्वाद देने में मेरे विचार से कोई कमी नहीं छोड़ी। इनके परिवार में डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक मैं समझता हूँ, ऐसे जो सेवा है एक बहुत बड़ी, बतौर चिकित्सक, बतौर शिक्षक, बतौर जो है इंजीनियर, ये सब जो है इनकी परमात्मा की विशेष कृपा और इनकी मेहनत का फल है। तो मैं चाहता हूँ उस परमपिता परमेश्वर से दिल से, शुद्ध अंतकरण से उस प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि देशराज जी का परिवार फले फूले और आगे बढ़े, सभी स्वस्थ रहें और देशराज जी एक प्रेरणा के स्रोत बने रहें और इनकी रहनुमाई में इसी तरह का प्रयास और सामाजिक प्रयास, पौधारोपण होता रहे, यही प्रभु से हमारी हार्दिक अभिलाषा है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं जो पेड़ इन्होंने लगाए हैं इनकी ललक क्यों बनी, कोई ऐसा कोई कारण, कोई रीजन, कोई बात आप कैसी हो वो तो बताइए। उसका मेन कारण तो पहले रेगिस्तान था मंडाना, बिल्कुल प्योर, मतलब हमारे लाल चेहरे हो जाते, पानी नहीं था। फिर जो है सरकार ने कीकड़ लगवा दी, वो दसियों बार उखाड़ दी जो पौधों के खिलाफ थे, भई हमें तो जमीन चाहिए, हम अवैध कब्जा करेंगे, ऐसे कुछ करेंगे, परंतु पौधे नहीं, पौधों में पता नहीं क्या हो जाए पौधे लगने से, जबकि पौधे लगने सारा रेगिस्तान खत्म हो गया, टीबा ही टीबा था। तो फिर कीकर के बाद, कीकर जब बड़ी हो गई तो कटाई सरकार ने, उसके बाद तो फिर रेत उड़ने लगा, तो रिटायरमेंट पे थे, पौधों का शौक तो पहले से था, स्कूलों में लगाते थे, फिर जो है खाली रहे तो फिर पूरा जो है जो स्कूल के बच्चे थे उनको ले गए, जैसा भी पानी होता था, खारा पानी, अब तो खैर मीठा आ गया सारे,
पौधे आसानी से लग रहे हैं, पहले बहुत ही मुश्किल था, दीमक चट कर गई, ठंड मार गई पौधे को, पानी नहीं मिला, फिर भी जो है पौधे हुए, ये बहुत बड़ी बात है। वो भी रेगिस्तान एरिया, कोई पानी वानी की सुविधा नहीं होती थी, अब तो हो गई है, खैर नल भी आ गए, हर जगह पानी आ गया, पहले तो बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल से होता था पौधा। हरियाली लाना उस क्षेत्र में तो बड़ी बात है। जो हमारे डॉक्टर साहब के पिताजी हैं, मेरे दादाजी के समान हैं, और ये एक बहुत बड़ा ही आदर्श है। और जैसे मेरी उम्र तो 32 साल है, उनकी उम्र भी 80 साल है, और हमारे से भी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और जब भी हमने उनसे बात की, गौशाला के यहाँ पर मुलाकात हुई, मैं उनसे मिलने मनाणा भी गए तो भी मुलाकात हुई, वो एक बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, मतलब उनके किसी भी प्रकार की कोई हरारत नहीं, दिन को रात को मतलब पौधों की सेवा के लिए हर टाइम वो तत्पर तैयार रहते हैं। उन्हें सिर्फ हमें इतना कहने की ज़रूरत है कि जी हमें ऐसा काम था, तो वो बस इस बात को सुनकर उनसे वो कहते हैं कि अभी करवा लीजिए ये काम मेरे से, भाई कल होगा नहीं होगा, मैं होऊंगा आप होंगे, कुछ नहीं होगा, सृष्टि का कुछ पता नहीं है, उस तरीके का वो काम आज ही करवा लें आप मेरे से। और इसमें जो भी खर्चा, सबसे आज के इस जीवन में पैसा सबसे बड़ा महत्व है, इसके अंदर उन्होंने वो खर्चा भी अपनी जेब से ही, कि मतलब पौधा लाना है उसमें कोई खाद डलवानी है, कोई खड्डा खुदवाना है, या कोई उसका गमला बनवाना है, तो भी अपनी तरफ से वो अपने जेब से उस चीज़ को वहन करते हैं, किसी का एक रुपया ना लगवा कर। वो कहते हैं कि ये पौधे, एक बार हम मनाना गए तो उनसे बात हुई, तो जब उन्होंने बताया, हमने कहा कि आप वहाँ पर चल पड़िए, आप वहाँ पर रहिए डॉक्टर साहब के पास, हम उन्हें लेने गए थे, वो बोले कि डॉक्टर साहब तो वहाँ पर तुम हो, वहाँ पर संभाल लेते हो, यहाँ पर मेरे बच्चे हैं, इन्हें कौन संभालेगा। हम हैरान हो गए कि भाई यहाँ तो इनके पास कोई रहता नहीं है, बच्चे किन्हें कह रहे हैं। तो इन्होंने जवाब दिया बड़े सटीक से, और मेरी तो उम्र भी काफ़ी कम है, 2-4 बुज़ुर्ग लोग और भी थे मेरे साथ, तो जब बात हुई तो मैंने कहा जी आप चलो तो आप वहाँ पर रहो। बोले रहने की बात नहीं है, मेरे बच्चे कौन संभालेगा यहाँ पर। मैंने कहा जी कोई बात नहीं बच्चे, मैंने कहा जी आप, फिर मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने फिर उनसे दोबारा फिर जवाब लिया, मैंने कहा जी आप क्या कहना चाहते हैं। बोले भाई मैंने यहाँ पे हज़ारों पौधे लगाए हैं, कोई 2 वर्ष का है, कोई 5 वर्ष का है, कोई 10 वर्ष का है, कोई बड़ा भी हो गया है, कोई 20 वर्ष का भी है, तो उनको संभालना, उनको देखना, जब तक मैं उनको सुबह सारों को उठ के देख नहीं लेता, सबको संभाल नहीं लेता, तो इतने मेरा दिन नहीं निकलता। इस तरह की बात उन्होंने की, तो बड़ी एक दिल को छू देने वाली बात थी। उन्होंने जब ये कहा कि मेरे बेटे तो अब देखो, मैंने उनको पढ़ा दिया लिखा दिया, सारे अपने अपना काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, पोते हैं, दोते हैं, शादी कर दी सबकी, अपना अपना काम करने लगे हुए हैं, मैं अपनी वर्किंग कर रहा हूँ, मुझे अपने ही काम है, मुझे अपना हिसाब है, तो उनका अपना सिस्टम है। डॉक्टर साहब के पिताजी, एक तो पौधों के प्रति उनकी बहुत ज़्यादा रुचि है, और पेड़ लगाना, उसको पालना, ये एक उनका मेन कर्तव्य है जी, मतलब पेड़ लगाओ और उसको पालो, और पेड़ बड़ पीपल और नीम के ज़्यादा पेड़ लगाते हैं। त्रिवेणी भी गौशाला में एक बार लगाई थी, वह भी कामयाब है, आज भी 20 पेड़ों का रोपण किया है, और उनका आज के लगा हुए सब पेड़ लगते हैं। आपके परिवार में क्या घटना हुई थी, उसको क्या बताना चाहते हैं आप? मैं मेरे फादर के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि उनको जो पौधों का जुनून है, इस कदर है कि वो मतलब पौधों के लिए तो जी रहे हैं, पौधों के लिए मरना चाहते हैं, लास्ट सांस तक ये चाहते हैं कि मैं एक लास्ट सांस में भी मैं पौधा लगा के मरूं। मेरे चाचा जी एक्सपायर हो गए थे, तो वहाँ दाह संस्कार था, दाह संस्कार में सब लोग, सारे परिवार के लोग गए, तो क्योंकि मेरे पिताजी 5 भाई हैं, तो ये फैसला लिया सारे भाइयों ने भी पिताजी आप बड़े हो और आप जो है ना यहाँ रहोगे 10 दिन तक। तो उनके जब उनको ये फैसला ले लिया, हम सब लोग चल पड़े जो ना, थोड़ी देर के अंदर जो ना हम अपने बड़े बड़े भाई सब का बोले कि बिला जी मैंने तो पिताजी दिखाई दिए खड़े हुए, भाई पिताजी खड़े थे खुली गाड़ी में, टाटा 407 थी शायद वो,
तो उसके अंदर जा रहे थे, तो मैंने भाई साहब बोला ना ऐसा तो नहीं हो सकता, पिताजी उतापा जी छोड़ के आए यहाँ। तो हमने मैंने भी थोड़ी गाड़ी फास्ट करके और जाके ने फिर आगे देखा तो वास्तव में पिताजी खड़े थे। तो हम मैंने गाड़ी फास्ट करी, रास्ते में फिर हम रुक के और गाड़ी को हाथ दे के उस गाड़ी को रुकवाया, हमने गाड़ी रुकवा के पिताजी को नीचे उतार लिया। तो पिताजी को हमने कहा पिताजी क्या हुआ, बोला रोने लग गए। बोले तम तो मैंने छोड़ आए, मेरे तो ओड़े पौधे जो है ना सूख जाएंगे, अरे आंधी भी यार इस तरह मौसम हो रहा है, ख़राब मौसम हो रहा है, मेरे पौधे मैंने नए लगाए थे उनमें पानी डालना है, रोने लग गए। बात यह है पौधों के प्रति जो जुनून है वो उनको ये भी नहीं देखे, अभी 10 दिन तो यहाँ बैठना ज़रूरी है, एक बुज़ुर्ग आदमी है, उनको सिर्फ पौधे तो दिखाई दे हुए हैं। तो वो मैं जो कहना चाहता हूँ पौधों का जुनून इस कदर है भी, और अपने बच्चों को भी देख रहे ना, परिवार को देख रहे ना, मेरी मम्मी की तरफ देख रहे, सही पूछो तो बस वो जो है क्यों, मेरी मम्मी को तो साथ देना पड़ेगा क्योंकि सवेरे शाम रोटी देनी पड़ती है, सवेरे शाम खाना देना पड़ता है, इसलिए तो वो जो जिंदगी जो घटना है वो आज तक मेरे दिमाग में देखो कमाल कर दिया कि भी जो है ना वहाँ बैठना चाहिए था परिवार के साथ। बोला तड़का आ जाऊँगा बोला मैं, लेकिन पहले पौधे अन्न पान डाल के आऊँगा। ये बहुत बड़ी बात है कि पौधों के प्रति उनका जुनून बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि भी जो है। अरे एक बार की और घटना है, मैं गया हुआ था मनाने के अंदर, तो जो है ना छत के ऊपर छोटे छोटे पौधे ला रखे थे। अब तो हम थोड़े बड़े पिताजी बड़े पौधे खरीद के ले आते हैं, तो छोटे छोटे पौधे ला के रख रखे थे, और वो 15-20 पौधे थे, वो जल गए। मतलब सर्दी थे, सर्दी तो जल गए, वो पौधे तो तकरीबन का रूटीन है, एक आधा पौधा लगाना, तो रोने लग गए। मेरी माँ बोला भाई तो रो क्यों है, बोला ना बोला बोला मेरे पौधे ले आया था इतने ये सारे जल गए। बोला मतलब इस बात के लिए भावुक हो जाते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ जी, ये लोहे की जाली आज जन पिताजी ने मतलब बनवा दी थी, 10-12 दिन पहले ऑर्डर दे दिया था, ये लोहे की जाली बन के आई है, और इनको आज गौशाला में जो पौधे लगाए हैं उनकी उनको ताकि सुरक्षा पौधों की सुरक्षा की जा सके। और ये पुराने बल्कि पुरानी जाली है, ये पुरानी जाली क्योंकि वो पौधा बड़ा हो चुका था, तो ये पुरानी जाली भी जो है ना फिर अब नए पौधे भी लगा देंगे। इन जालियों का यही उद्देश्य है कि भी जाली से वो पौधा सुरक्षित रहेगा, जब बड़ा हो जाएगा तो दूसरे उस पर लगा देंगे पौधे पे, ताकि पौधे सुरक्षित रहें, गाय वगैरह उनको ना खा सकें, और पौधा बचाने के लिए ये कोई बात नहीं। मेरे पिताजी की आदत है भाई, वो सोचते हैं कि भाई बच्चा पाला है तो उसको मान लो कपड़े पराने हैं, सर्दी तो बचाना है, किसी तरह बचाना है, तो यदि अपने बालक के ऊपर मान लो कोई चीज़ कर सकते हैं तो वो सोचते हैं कि वो पौधा भी तो बालक ही है, वो अपना पौधे को बच्चा समझते हैं। और जब तक आप हमारे को देखो, हमारे को सबको डॉक्टर बना दिया, सबको इंजीनियर बना दिया, लेक्चरर हैं हमारे भाई, फरीदाबाद रहते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, वाणी खड़ा रहता हूँ, मेरी मिसी डॉक्टर है, तो हमारे को जो बड़ा कर दिया और हमारे को पाड़ के, तो उनकी सुरक्षा करी ना मेरे पिताजी ने, मान लो उनको कपड़े दिया, लत्ता दिया, मतलब उनके ऊपर खर्च किया। ऐसे ही वो चाहते हैं कि पौधा बेसिक से पौधा लगा तो दिया, लेकिन उसको लगा के भूल गए, फिर फायदा क्या हुआ। ये बुआणी खेड़ा का वेटनरी हॉस्पिटल है, यहाँ जो है ना मास्टर जी ने कई साल से जो है ना कई पौधे लगाए, पथरीली जमीन होने की वजह से जो है ना यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी जो है ना काफ़ी सराहनीय कार्य किया गया है, काफ़ी पौधे जो है कामयाब किए गए हैं, यहाँ डिमक वगैरह का जो है ना पथरीली जमीन होने की वजह से काफ़ी पौधे लगाए गए, उनकी जो है ना देखभाल बहुत अच्छी तरह से करते हैं, हमारा सहयोग दिया है, हमने भी उनके साथ में जो है ना पूरा सहयोग करके जो है ना इसका सुचारू रूप से कर रहे हैं। तो यहाँ कितने पौधे लगाए होंगे और कौन सी क्वालिटी के पौधे रहे हैं? पौधे तो यहाँ काफ़ी लगाए गए थे जी, क्यों फलों फूलों वाले तो होते नहीं क्योंकि एक कंकरीली ज़मीन है, यहाँ जो है ना त्रिवेणी बड़ वगैरह है, नीम है, पीपल है, इनके लगाए थे, लेकिन काफ़ी सहयोग मेहनत की वजह से जो है ना काफ़ी पेड़ यहाँ सक्सेसफुल हुए हैं, क्योंकि ज़मीन बहुत बेकार है इसलिए यहाँ इतने फायदेमंद हुए नहीं तो बहुत ज़्यादा होने थे। यहाँ जो है ना पौधों की जो है उन्होंने हार नहीं मानी है और लगाते रहते हैं। ये बुआणी खेड़ा का पशु चिकित्सालय है, मैं रणजीत भारद्वाज बुआणी खेड़ा से हूँ और मेरा खेत नज़दीक लगता है, और यहाँ मतलब मास्टर जीओ ने पौधे ये जितने दिखाई दे रहे हैं लगा रखे हैं, और हर एक पौधे की बच्चे की तरह से देखभाल करते हैं। यहाँ एग्रीकल्चर का भी दफ्तर है, वहाँ जाते हैं, कई पौधों में डिमक वगैरह लग जाता है, उनके लिए दवाई पूछ के आए, एक बार डीओ को लेकर आए तो उनका अच्छी तरह से देखभाल करा के इन्हें और करवाया। जितने दरख्त ज़्यादा होंगे, बरसात ज़्यादा होगी, किसानों को फ़ायदा होगा, इसलिए दरख्त तो जितने ज़्यादा लगें उतने ही फ़ायदे के हैं।